दोस्तों हम लोग काम करने के लिए या तो लैपटॉप का प्रयोग करते हैं या कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, और हमारे कंप्यूटर हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंटरनेट को जरूर एक्सेस करते हैं, और हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में वायरसेस इंटरनेट की वजह से आते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। हम में से कुछ लोग या तो फ्री का एंटीवायरस यूज करते हैं या पायरेटेड एंटीवायरस का यूज करते हैं या ट्रायल वर्जन एंटीवायरस का यूज करते हैं, जो कि रियल टाइम प्रोटेक्शन हमको नहीं देता है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना एंटीवायरस के हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं एंटीवायरस से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि विंडोज डिफेंडर क्या होता है। दोस्तों विंडोज डिफेंडर कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर अगर आप विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो यह एक इनबिल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें कंप्यूटर वायरसेस से, पॉपअप से और मालवेयर से रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि यह एक विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। दोस्तों विंडोज डिफेंडर को एक्टिवेट या ऑन करने के लिए अगर आप किसी भी एंटीवायरस का यूज कर रहे हैं, चाहे वो एंटीवायरस फ्री का हो या ट्रायल वर्जन का हो, तब आपका विंडोज डिफेंडर काम नहीं करेगा, वह डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए आपको अपने एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करना होगा, तब जाकर के आपका विंडोज डिफेंडर काम करता है। तो दोस्तों इसके लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि विंडोज डिफेंडर कैसे काम करता है। लैपटॉप के अंदर विंडोज डिफेंडर को ऑन करने के लिए अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन पे जाएं और यहाँ पे आप टाइप करें विंडोज डिफेंडर और आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए हम अगर आप किसी और विंडोज को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे मिलेगा इसके लिए हम बता देते हैं। कहीं पे नहीं जाना है, आप विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे रन खुल जाएगा और यहाँ पे आप टाइप करें कंट्रोल। जैसे ही कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे अब देखिए हम यहाँ पे कैटेगरी पे आते हैं और यहाँ पे हमको लार्ज आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा और अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज डिफेंडर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सर्विसेज हैज स्टॉप्ड, इसलिए स्टॉप है क्योंकि हमारे लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस है, इसलिए जो है क्योंकि मैं एंटीवायरस यूज कर रहा हूँ इसलिए हमारे सर्विसेज जो है वो स्टॉप कर देगा। अभी आप टूल्स किसी पे जाएंगे एक्टिवेट नहीं, काम नहीं करेगा। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको कस्टम स्कैन, फुल स्कैन, ये सब का ऑप्शन मिलेगा। आप कस्टम स्कैन करना चाहते हैं, फुल स्कैन करना चाहते हैं, इसके बाद टूल्स पे जाकर सेटिंग करेंगे कि आप डेली अपडेट डेली स्कैन करना चाहते हैं, कब स्कैन करना चाहते हैं, उस हिसाब से काम कर सकते हैं या स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये काम करने लगेगा।